में देखो अपनी हॉकी भी तुड़वा ली, ये देखो। हे गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग, और आज तो व्लॉग की शुरुआत करते हैं मस्त अपने पपीते के शेक के साथ। तो अभी भाभी का तो अपने उसने मतलब पपीता ऐसे ही खाया, उसने शेक तो पिया नहीं, तो वो ऐसे ही चलेगी बस बाहर, और साइकिल चला रही है बाहर, वो अपनी पूरी मस्ती कर जा रही है, चिल्ला रही है। तो मैं तो अपना पपीता शेक पीता हूँ। और भी गाइस मैं तो मतलब भाविका जो है वहाँ से वापस आ चुकी है, और मैंने ले लिया अपना मस्त यहाँ पर खाना। तो ये चार रोटियाँ मेरे लिए, और साथ में मेरी फेवरेट दाल, दाल मखनी, हाँ दाल मखनी है। और मैंने जो अपने पैर में पट्टी भी लगा ली है, क्योंकि मुझे बहुत मतलब इस साइड को दर्द हो रहा था ना बहुत ज़्यादा। तो वैसे तो आगे इसकी जुड़नी पड़ेगी, क्योंकि सर ने हमको बताया था कि हमको जो है डिस्पेंसरी से कैल्शियम की गोलियाँ 10 वो भी, और साथ में किसकी गोलियाँ कहाँ थी, विटामिन ई की गोलियाँ, तो वो भी 10 लेनी है, तो दोनों 10-10। और भावेगा के लिए भी ले आऊँगा मैं, ताकि हमारे जैसे कभी जॉइंट टाउंस में दर्द ना हो। तो मुझे तो दर्द था इसलिए मैंने अभी तो पट्टी लगा ली, फिर आगे से अभी हम दवाई लेंगे। सो भी गाइज हमको मम्मी ने मतलब पैसे दिए थे, तो हम ले आए हैं यहाँ पर मस्त अपने लिए 2 ब्लैक मैजिक के बिस्कुट। अब जब से मैंने भाभी का वो बिस्कुट खाया ना, तब से मेरे को यही फेवरेट लगने लग गया, इसलिए मैं ज़्यादातर तो अब यही लेने लग गया हूँ। पहले मैं टाइगर का बिस्कुट लेता था, टाइगर क्रंच का, अब मैं ये लेने लग गया हूँ ब्लैक मैजिक का। तो अभी तो भाभी का गई है छत में, और साथ में हमारा कुणाल ब्रदर भी है इधर, जो कि अभी यहाँ पर स्टडी कर रहा है, और सारे यहाँ पर मस्त अपना बिस्तर पर लेटते धूप सेकते हुए। और सुबह सुबह मस्त एकदम किरणें भी आती हैं इधर धूप वाली। और अभी थोड़ी देर बाद जो है भाविका का पेपर भी आने वाला है, तो उसके पेपर का भी वो पेपर करेगी अपना। तब तक मैं क्या करूँगा, डिस्पेंसरी से जो है दवाइयाँ ले आऊँगा, तब तक फिर अभी तो बाद में जाऊँगा, थोड़ा सा अभी वैसे स्टडी कर लेता हूँ मैं, क्योंकि कल जो है मेरा मैथ का पेपर है ना, मैथ सबसे मुश्किल सब्जेक्ट, जो कि मुझे सबसे आसान लगता है, क्योंकि मुझे मतलब मैं ट्यूशन जाता ना उसके लिए। तो गाइस जो है भाविका का पेपर आ चुका है, और एक क्लास लगा रही है, और अभी जो है फ़ोन जो है बिजी रहेगा एकदम, तो ये जो फ़ोन है अब मैं यूज़ नहीं कर सकता व्लॉग बनाने के लिए, क्योंकि अब भाविका यूज़ करेगी, इसमें पेपर खोलेगी, उसमें उस वाले फ़ोन में क्लास लगाएगी दूसरे फ़ोन में। इसको दो फ़ोन चाहिए अब अपने पेपर के लिए, तो अब फटाफट से इसको पेपर कह रहा हूँ फ़ोन देते हैं, और फटाफट से अपना पेपर करेगी, फिर हम जाएंगे डिस्पेंसरी। जो मैंने अपना लंच चावल तो ले लिया, यहाँ पर लिया मैंने मस्त दाल चावल, तो पीली वाली दाल है और साथ में चावल, तो अब इसको खाते हैं। और भाभी का तो गई है नहाने के लिए, वो नहा रही है अभी, फिर मैं भी खाना खाता हूँ, और फिर उसके बाद मैं भी नहाता हूँ फटाफट से। और आज हम डिस्पेंसरी नहीं गए, क्योंकि जो डिस्पेंसरी का जो टाइम है वो ओवर हो चुका था, और फिर अब हम जा ही नहीं सकते, तो अब ऐसे ही घर में बैठे रहेंगे बिना दवाई के। तो भी गाइस हम दोनों तो नहा धोकर अच्छे से रेडी हो चुके हैं पूरा हम मस्त एकदम, और भाभी का तो अपने आप को शीशे में देख रही मैं कितनी सुंदर हूँ। एक बार भाभी ऐसे बोलते हैं मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या हॉकी खेल रही हूँ हॉकी खेल लेगी। तो अभी तो हम बस यहाँ से आज भी लेट हो चुके हैं, तो अभी फटाफट से साइकिल उठाते हैं और चलते हैं सीधा ताकि घर, तो फिर हम वहीं से जाएंगे सीधा स्टेडियम, तो फिर चलते हैं फटाफट से, और फिर आपको स्टेडियम जाके मिलते हैं, मज़ा आएगा तो स्टेडियम में। और अब तो असेंबली में होने लग गया है, वहाँ पर नेशनल एंथम होता है, तो रोज़ हमें चार बजे जाना पड़ता है शाम को, मतलब पूरी फिक्स टाइमिंग होता है 4 बजे तक, उधर सारे स्टेडियम के बच्चों को पहुँचना होता है, फिर हम जाते हैं, और फिर उसके बाद नेशनल एंथम करने के बाद अपने अपने ग्राउंड में वापस, और सारी प्रैक्टिस वगैरह जो हमको करना है वो कर लिया। सो भी गाइस हम तो पहुँच चुके हैं, और साथ में हमारे सारे दोस्त भी पहुँच चुके हैं, हाय कर दो एक बारी, हेलो और सारे और खेल भी रहे हैं, और आते भी जा रहे हैं बच्चे, हम भी अभी जरा जाते हैं असेंबली में, और फिर उसके बाद अपनी प्रैक्टिस करते हैं। चलो कोई और फ्रेंड जो है यहाँ दुकान पे लाया, पता नहीं वो किस लिए लेकर आया, मैं तो ऐसे ही आ गया उसके साथ, ये बात रखा पार्टी दे रहा हूँ, आज मेरा बर्थडे है इसलिए एक 10 रुपए की आइसक्रीम और 10 रुपए की जो भी आए। चलो ठीक है थैंक यू। तो तूने ले लिया कुछ? हाँ मैंने तो खा भी लिया। अच्छा ये तो बड़ा तेज है, हम भी फिर खाते हैं और फिर घर पर चलते हैं, और आपको घर पर ही मिलते हैं। सो भी गाइस मैं घर पर तो आ चुका हूँ, और भाविका ने देखो अपनी हॉकी भी तुड़वा ली, ये देखो।
पूरी नीचे से ख़त्म कर दी है, और भाभी का तो खेल तो पाएगी नहीं। तो मैं क्या करूँगा कि कल मैं स्कूल देने तो पेपर में मतलब पेपर देने के लिए तो स्कूल जाऊँगा ही, तो वहाँ से जो है भाभी का के लिए एक हॉकी ले लूँगा सर से पूछ कर। तो मतलब मैंने जो हॉकी स्टार्ट करी थी वो वहीं से करी थी स्कूल में से, और फिर वहीं से सर से परमिशन लेके, क्योंकि सर का मैं बहुत खास हूँ, सर मुझे बहुत पसंद करते हैं मेरी गेम की वजह से, मेरे स्किल्स की वजह से। तो मुझे सर कहते हैं शाबाश शाबाश शाबाश, और फिर सर से मैं कहूँगा सर ये भाविका की हॉकी टूट चुकी है। मतलब भाविका को भी रोज़ देखते हैं ना स्टेडियम में, सर भी स्टेडियम में आ जाते हैं तो वो भी हमको देखते हैं कई बार। और पीछे से बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा आपको आ रहा होगा, क्योंकि पीछे जो है हमारे लिए मस्त पपाया शेक बन रहा है। और अब भाविका की हॉकी टूट चुकी है, तो मैं सर से बोलूँगा कि सर एक नई हॉकी दे दो, और पीछे से बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा है उसके लिए सॉरी। अभी तो फटाफट से अंदर चलते हैं और बनाना शेक का इंतज़ार करते हैं, और फिर मैं कल लाऊंगा मस्त भाविका के लिए नई नई हॉकी। सभी गाइस मैंने तो यहाँ पर ले लिया मस्त अपना पपाया शेक, जो कि मैंने आधा पी भी लिया, और भाविका ने भी पी लिया। तो अभी तो फटाफट से पपाया शेक एकदम सारा ख़त्म कर देते हैं और फटाफट से एडिटिंग करते हैं। सो गाइस जैसे कि आपने इस व्लॉग में देखा कि आज तो सुबह सुबह मैं इतनी बात कर रहा था डिस्पेंसरी जाएंगे, लेकिन मैं जा ही नहीं पाया क्योंकि बाद में जो है उसका टाइम ही ओवर हो गया जब तो मम्मी ने बताया हमको। और आज तो भाविका का पहला पेपर भी था फाइनल एग्ज़ाम का, और कल मेरा जो कि सबसे ख़तरनाक है मैथ का पेपर, तो उसमें उसको देंगे। लेकिन मुझे तो बहुत अच्छा लगता है मैथ, क्योंकि मैं जो ट्यूशन लेता हूँ उसकी, और अभी मैं बिना ट्राईपॉड के बना रहा हूँ, क्योंकि ट्राईपॉड से मतलब मेरे को इतना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मेरी एक आदत सी बन चुकी है ना, मैं हाथ से ही बनाता हूँ अपना व्लॉग, तो बहुत बढ़िया लगता है मुझे हाथ से ही बार बार ऐसे करके, मुझे टच नहीं करना पड़ता, सिर्फ एक उंगली ज़रा सी हिलानी पड़ती है, फिर उसके बाद मेरा जो काम है वो बन जाता है। और तो वैसे मुझे ट्राईपॉड बहुत बढ़िया लगा, तो मज़ा ही आ जाता है वैसे इसके साथ तो। और आज तो बच्चों के साथ भी मैंने वीडियो बनाई, तो उनके साथ भी मज़ा आया बहुत ज़्यादा स्टेडियम में। और अब मुझे टाइगर का बिस्कुट छोड़कर तो ब्लैक मैजिक का बिस्कुट ही पसंद आने लग गया, जब भाविका खाती है वो भी मेरे को बहुत अच्छा लगता है क्रीम के साथ, तो मज़ा ही आता है उसके साथ भी। तो और तो आज भाविका ने अपनी हॉकी भी तोड़ ली, उसने अपनी हॉकी भी तोड़ ली एकदम पूरे नीचे से, ख़त्म ही कर दिया सारा सिस्टम। तो कल मैं अब विनय हमारे जो स्कूल के सर है विनय सर, तो मैं उनसे पूछूंगा परमिशन लूंगा कि सर मुझे भाविका के लिए हॉकी चाहिए, क्या आप दे सकते हो। तो वैसे तो सर हमको ना नहीं करेंगे, वैसे तो दे देंगे, तो देखते हैं हम क्या बनेगा कल का। तो अभी फटाफट से इस ब्लॉग को करते हैं एंड। तो आज तो बस इतना कुछ खास तो था नहीं ब्लॉग में, लेकिन आज हमने सुबह और शाम तो पपाया का शेक ज़रूर पिया, जो कि बहुत अच्छा है हमारे लिए। और मेरे फ्रेंड मेरे साथ में मुझे अपने बर्थडे की पार्टी भी दी, एक तो चोको बार की चॉकलेट भी खिलाई उसने, और चॉकलेट कह रहा हूँ आइसक्रीम भी, जो कि वैसे अभी ठंड हो रही है लेकिन उसने फिर भी खिला दी, चलो कोई बात नहीं कभी कभार तो चलता है। और उसने पता नहीं कोई दूध कोई ऐसी चॉकलेट का फ्लेवर वाला दूध पिला दिया था मेरे को, जो कि बहुत टेस्टी हो रहा था, तो उसको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे। और आप भी गाइस कमेंट सेक्शन में लिख देना हैप्पी बर्थडे, तो उसका नाम है यक्ष, तो हैप्पी बर्थडे यक्ष अगर आप वीडियो देख रहे हो। तो अभी तो हम ऐसे ही मतलब व्लॉग का एंड करते हैं, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, और फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो कर देना, क्योंकि हमारा फेसबुक पर भी पेज है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है तो उससे भी जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।